गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 24, स्पाइसी राइडल्स। ओके, स्पाइसी राइडल्स, यहाँ पे कुछ राइडल्स दी गई हैं स्टूडेंट्स। स्पाइसी राइडल्स में हम देखेंगे सम पैराग्राफ्स एंड रिलेटेड टू दिस चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर्स। नाउ सी, हमारे किचन्स के अंदर स्टूडेंट जो भी फूड कुकिंग प्रिपेयर किया जाता है उसमें डिफरेंट टाइप्स के स्पाइसी हम यूज़ करते हैं फूड को कुक करने के लिए। ओके, यहाँ पे आपको कुछ राइडल्स दी हैं, आपको आइडेंटिफाई करनी है विच राइडल इज नेम इज स्पाइसी। ठीक है, कौन से राइडल्स हैं उसका स्पाइसी नेम्स क्या है, वो उसे आपको आइडेंटिफाई करना है। नाउ लेट अस सी, आई कैन बी पाउडर फाइन, मुझे एक अच्छा सा पाउडर बनाया जा सकता है टू मेक अ फूड हॉट एंड स्पाइसी। मुझे फूड में ऐड करके फूड को हॉट मीन्स गर्म और स्पाइसी मीन्स तीखा बनाया जा सकता है। इफ़ टू मच ऑफ मी इज एडेड, अगर मुझे ज़्यादा ऐड किया गया, आई मेक यू गैसिप यानी अगर मुझे उसमें ज़्यादा ऐड किया गया तो आपकी आँखों में से तेज धुआं निकल सकता है, आपकी आँखें बंद हो सकती है, जलन हो सकती है आपकी आइस में, और आपके आइस में आंसू आ सकते हैं और आप रोने भी लगते हो। तो आई मेक यू गैस शी योर आइस एंड नोज बर्स्ट इंटू वाटर, आपकी जो आइस और जो आपकी आँख और नाक है उसमें पानी निकल सकता है और आप रोने लगते हो। थिंक एंड टेल मी हु एम आई, सोचो और बोलो मैं कौन हूँ। टेल मी क्विकली हु एम आई, जल्दी से बताओ मैं कौन हूँ। एक राइडल से स्टूडेंट्स, ऐसी कौन सी स्पाइसी है जिससे ज़्यादा ऐड करने से वो हॉट एंड स्पाइसी हो जाता है, एक पाउडर के फॉर्म में होता है। ठीक है, और उससे हमें हमारी नोज़ और आइस में अगर टच हो जाए तो उससे हमारे आँख में आंसू आने लगते हैं और हम रोने स्टार्ट कर देते हैं। इट इज़ चिली पाउडर, चिली इट्स आल्सो कॉल्ड मिर्ची। नेक्स्ट, ग्राइंड मी एंड पाउडर मी, मुझे ग्राइंड किया जाता है प्राउड और उसका पाउडर बनाया जाता है टू मेक योर फूड लुक येलो, और तुम अपने फूड्स को एक येलो कलर भी दे सकते हो इससे। आई एम मिक्स इन ऑयल बाय ग्रेवी, जब ग्रेवी बनाई जाती है तो मुझे उसमें और उस ऑयल्स के अंदर मिक्स किया जाता है एंड अप्लाई टू वाउंड क्विकली, और मुझे अप्लाई किया जाता है जहाँ पर घाव हो जाता है या कहीं चोट लग जाती है तो मुझे उस जगह पर, घाव की जगह पर मुझे अप्लाई किया जाता है, यानी उसे मुझे लगाया जाता है उस जगह पर। आई हील ऑल वाउंड्स बिग एंड स्मॉल, और मैं बहुत ही छोटी और बड़ी घाव में यूजनेस हो सकता हूँ। दैट इज़ वाई आई एम लव्ड बाय ऑल, इसलिए मुझे सभी लोग प्यार करते हैं। थिंक एंड टेल मी हु एम आई, टेल मी क्विकली हु एम आई, सोचो और बोलो मैं कौन हूँ, जल्दी से बताओ मैं कौन हूँ। इट इज टर्मेरिक मीन्स हल्दी। स्टूडेंट्स, टर्मेरिक इज यूजफुल इन कोल्ड एंड कफ एंड टू गेट राइट of curve, it is mixed with hot milk or water and drunk it. Okay, जो turmeric का जो powder होता है students, वो useful होता है हमारे cold और cough को बाहर निकालने के लिए। जब हमें cough हो जाता है, सर्दी खांसी हो जाती है, तो हम turmeric powder का use करते हैं hot milk में, otherwise water में, और फिर उसे हम drunk करते हैं। ठीक है, उसमें mix करके hot milk और hot water में मिल्क करके उसे ऐड करते हैं हम। ठीक है, मिल्क और वाटर में, हॉट मिल्क और वाटर में उसे ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं और फिर हम रंग करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे अंदर जितने भी कफ होते हैं उसको राइट करता है ये,
बाहर निकालता है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर आवर बॉडीज, यूजफुल इन कोल्ड एंड कफ एंड टू गेट अ राइट ऑफ कफ। नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 180। स्मॉल एंड राउंड लाइक अ पर्ल, मैं छोटा हूँ और दिखने में राउंडेड हूँ। पर्ल्स मीन्स मोती, मोती जैसा राउंड हूँ और दिखने में छोटा हूँ। आई एम ब्लैक व्हेन आई एम होल, मैं पूरी तरीके से ब्लैक हूँ। आई कैन बी पाउडर, कॉर्स और फाइन, मुझे एक पाउडर्स बनाया जाता है पीस कर, मीन्स कॉर्स मीन्स दरदरा पीस कर मुझे एक पाउडर के फॉर्म में बनाया जाता है। अ शार्प एंड स्पाइस टेस्ट इज माइन, मेरे टेस्ट से एक शार्पनेस स्पाइसी टेस्ट आता है, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा अगर तुम्हें तीखा खाना है तो आप टर्मेरिक, सॉरी पीपल, इट इज़ कॉल्ड पीपल, ठीक है। तो मुझे आप उसमें किसी भी फूड में ऐड करोगे तो मैं स्पाइसी टेस्ट देता हूँ, शार्प एंड स्पाइसी टेस्ट देता हूँ, तेज और तीखा वाला टेस्ट मैं देता हूँ। वेदर इट इज़ सॉल्टी और स्वीट, यानी सॉल्टी और स्वीट्स की जगह पर मैं स्पाइसी और शार्प टेस्ट दे सकता हूँ। आई एम एडेड एज अ स्पेशल ट्रीट, मुझे ऐड किया जाता है स्पेशल ट्रीट की तरह। थिंक एंड टेल मी हु एम आई, टेल मी क्विकली हु एम आई, सोचो और बोलो मैं कौन हूँ, जल्दी से बोलो मैं कौन हूँ। इट इज़ पीपल, जो काली मिर्च होती है स्टूडेंट उसे कहते हैं पीपर्स, ठीक है। उसका शेप स्मॉल होता है, इट इज़ लुक लाइक अ राउंड एंड पर्ल, इट इज़ ब्लैक कलर, उसका कलर ब्लैक होता है और वो स्मॉल होता है, राउंड शेप में होता है, मोतियों की तरह दिखता है। इसका पाउडर पॉर्स किया जा सकता है, इसको पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है और ये स्पाइसी टेस्ट देता है हमको। नेक्स्ट, आई एम स्मॉल एंड स्किनी चैप, मैं छोटा हूँ और मैं स्किनी चैप हूँ। समटाइम आई एम ब्राउन एंड समटाइम ब्लैक, कभी कभी मैं ब्राउन हूँ, ब्राउन कलर का होता हूँ, कभी कभी मैं ब्लैक कलर का होता हूँ। एडेड टू हॉट ऑयल एंड घी, जब मुझे गरम तेल और घी में ऐड किया जाता है, आई स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स फैलना स्टूडेंट, ठीक है। आई स्प्रेड माई फ्रैग्रेंस ऑल अराउंड मी, मैं सभी जगह अपनी सुगंध को फैला देता हूँ। व्हेन आई एम रोस्टेड, जब मुझे सेका जाता है, यानी मुझे जब सेका जाता है ऑयल या घी में, तो मेरी जो स्मेल आती है वो स्मेल को मैं सभी जगह फैला देता हूँ। कर्ड एंड जलजीरा आर फेवरेट टू मी, कर्ड और जलजीरा जब बनाया जाता है तब मुझे इसमें ऐड किया जाता है, उन लोगों के लिए मैं बहुत ही फेवरेट हूँ। थिंक एंड टेल मी हु एम आई, टेल मी क्विकली हु एम आई, सोचो और बोलो मैं कौन हूँ, क्विकली बोलो हु एम आई, मैं कौन हूँ। इट इज़ कॉमन सीड्स, कॉमन सीड्स मीन्स जीरा, ठीक है। तो जलजीरा सोडा में भी जीरा का यूज़ किया जाता है। फिर कर्ड मीन्स दही वगैरह को, दही जब हमारे घर में रायता या दही का कोई भी चीज़ को हम फ्लाई करते हैं, उसको वघारते हैं, तो उसमें भी ये कॉमन सीड्स का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, आई लुक लाइक जीरा थ्रो ग्रीन एम आई, ग्रीन एम आई, मैं दिखने में जीरा की तरह हूँ लेकिन मेरा कलर जो है वो ग्रीन है। टू मेक योर स्टमक हेल्दी आई ऑलवेज ट्राई, मैं आपके पेट को हमेशा से स्वस्थ बनाने की कोशिश करता हूँ। ईट मी ऑलवेज आफ्टर योर मील, आई रिफ्रेश योर माउथ, यू आर श्योरली फिट, खाना खाने के बाद आप हमेशा मुझे ईट करते हो तो मैं आपके माउथ को फ्रेश बनाता हूँ, मीन्स एकदम साफ करता हूँ, ताज़ा बनाता हूँ, फ्रेश करता हूँ आपके माउथ को, और आपको इस तरीके से फील कराता हूँ कि आपका माउथ फ्रेश हो चुका है। यानी खाना खाने के बाद जब मुझे यूज़ करोगे आप, ठीक है, तो आपका जो माउथ है, मुँह है, वो क्या हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा।
थिंक एंड टेल मी हु एम आई, टेल मी क्विकली हु एम आई, सोचो और बोलो मैं कौन हूँ, जल्दी बोलो मैं कौन हूँ। इट इज फैनल सीड्स, फैनल सीड्स मीन्स स्टूडेंट सॉफ्ट, ठीक है। तो सॉफ्ट, ये जो फैनल सीड्स होते हैं सॉफ्ट, उससे क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे स्टमक को वो क्या करता है, हेल्दी बनाकर रखता है। और खाना खाने के आफ्टर अगर हम इसे लेते हैं तो हमारा जो माउथ है वो क्या हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। नेक्स्ट कम टू द पेज नंबर 181। आई लुक लाइक अ नेल बट अ बर्ड एम आई, मैं दिखने में नेल की तरह हूँ लेकिन मेरे अंदर एक कली है, ठीक है, मैं कली की तरह हूँ। चॉकलेट ब्राउन कलर एंड अ स्ट्रॉन्ग स्मेल हैव आई, मेरा जो कलर है वो चॉकलेट ब्राउन की तरह है और मैं एक स्ट्रॉन्ग स्मेल देता हूँ, तेज स्मेल देता हूँ। When your toothache make your shout, I shoot the pen in your mouth, जब भी आपके माउथ में पेन होता है स्टूडेंट्स, दर्द होता है, तो मैं उसे आपके दर्द को कम करता हूँ। Think and tell me who am I, tell me quickly who am I, सोचो बोलो मैं कौन हूँ, जल्दी बोलो मैं कौन हूँ। It is club, club means long. नेक्स्ट नाउ ट्राई एंड मेक योर ओवन राइडर्स अबाउट टू अदर स्पाइसेस, आपको ट्राई करना है और टू और ऐसी स्पाइसेस का यूज करके इस तरीके से राइडल बनानी है आपको। एंड आस्क दोज राइडल इन योर क्लास, और आपको क्लास में पूछना है। तो आपका ये होमवर्क दे रही हूँ, एक एक्टिविटी दे रही हूँ स्टूडेंट्स, इसी तरह की दूसरी और राइडल स्पाइसेस से रिलेटेड आपको बनानी है और उसका नेम राइट डाउन करना है। नाउ सी सम क्वेश्चन आंसर। व्हिच स्पाइसेस आर यूज्ड इन योर हाउस फॉर कुकिंग, फाइंड आउट कौन से स्पाइसेस आप अपने घरों में कुकिंग के लिए यूज़ करते हो, यानी हमारे घर में किचन के अंदर जो भी फूड कुक होता है तो हम कौन कौन से स्पाइसेस यूज़ करते हैं, कौन कौन से मसाले यूज़ करते हैं। मेक अ लिस्ट एंड लुक एट योर फ्रेंड अ लिस्ट टू, आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है, और इस तरीके से लिस्ट बनानी है। तो हम हमारे घरों में कौन कौन से स्पाइसेस यूज़ करते हैं, चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, फेनुग्रीक, मस्टर्ड, क्लव्स, पेपर, जिंजर, कोरिएंडर, कॉमिन पाउडर, एसाफोटिडा, सिनेमन, गार्लिक, बे लीफ मीन्स तेज पत्ता एंड नटमेग। ओके, तो इस सारे स्पाइसेस के नेम्स यहाँ पे लिखे हैं जो हम हमारे कुकिंग के लिए हमारे हाउस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, When your grandparents were young, जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो यंग थे, Which spices we are used most in your kitchen? कौन से spices सबसे ज़्यादा kitchen के अंदर use होते थे? Find out from them and write here. आपको find out करना है, ढूंढना है, उसे लिखना है यहाँ पे। तो हमारे जब grand parents young थे तो most ofly red chili, turmeric, onion, coriander, ये सारे spices use करते थे। नेक्स्ट, नेम वन स्पाइसेस विच इज़ पुट इन टू बोथ स्वीट्स एंड सॉल्टी थिंग्स। इट इज कार्डेमोन, इट मीन्स कार्डेमोन मीन्स इलायची। नेम बताना है एक ऐसे स्पाइसेस का स्टूडेंट जो स्वीट एंड सॉल्टी होती है, इट इज इलायची। हम रखते हैं स्वीट और सॉल्टी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, वॉट इज पुट इन टू फूड टू मेक इट टेस्ट सॉल्ट, ऐसा कौन सा फूड है जो बनाने में टेस्ट में सॉर लगता है, सॉर मीन्स खट्टा होता है, ठीक है। तो ऐसे फूड्स को बनाने के लिए जो खट्टे टेस्ट देते हैं, फाइंड आउट कौन से फूड्स में क्या आप बनाओगे जो खट्टा टेस्ट आपको देगा। तो लेमन है, ठीक है, कोई भी फूड बनाते हैं तो उसमें खट्टा टेस्ट देने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, क्या रखते हैं उस फूड के अंदर, क्या डालते हैं स्टूडेंट्स। तो इट इज लेमन जूस, टमाटो, टर्मेरिक, ड्राई मैंगो पाउडर, कर्ड, विनेगर एंड एक्सेट्रा। ओके, ये आपको
टेक्स्ट बुक में लिखने हैं और वर्क बुक में भी रिलेटेड है, उसमें भी आपको कॉपीराइट करना है। नॉट ऑन योर पेज, कम टू द पेज नंबर 182। आई एम कुतान, आई लिव इन केरला। मैं कुतान में रहता हूँ और मैं केरला में लिव करता हूँ। मैं कुतान हूँ, यानी उसका नेम कुतान है और वो रहता है केरला में। देयर इज गार्डन ऑफ स्पाइसेस इन द बैक यार्ड्स ऑफ माई हाउस। बैक यार्ड्स मीन्स जो पॉटरी यार्ड्स होता है उसे बैक यार्ड्स, यानी घर के पीछे का भाग वो बैक यार्ड्स हुआ, ठीक है। तो कुतान बोल रहा है कि मैं केरला में लिव करता हूँ और मेरे घर के पीछे स्पाइसेस का एक गार्डन बना हुआ है, मसालों का एक गार्डन बना हुआ है। देयर आई सी प्लांट्स ऑफ तेज पत्ता। वहाँ पे मैंने एक प्लांट्स देखा था तेज पत्ता का। तेज पत्ता को बे लीफ कहते हैं स्टूडेंट्स। स्मॉल एंड बिग कार्डेमोन्स, और मैंने छोटे और बड़े इलायची के पेड़ भी देखे। कार्डेमोन्स मीन्स इलायची के पेड़। एंड ब्लैक पेपर ग्रो, और वहाँ पे ब्लैक पेपर भी उगाई जाती है। फाइंड आउट वेदर एनी स्पाइसेस आर ग्रोन इन योर एरिया। आपको फाइंड आउट करना है, ढूंढना है कि ऐसी कौन सी स्पाइसेस है आपके एरिया में उगाई जाती है, ठीक है। कौन आपके एरिया के अंदर कौन सी स्पाइसेस उगाए जाते हैं, उनके नेम्स लिखने हैं। तो चिल्ली, टर्मेरिक, गार्लिक, जिंजर, कॉमन सीड्स, फेनल सीड्स एंड एक्सेट्रा। नाउ अब यहाँ पे आपको राइट एंड रॉन्ग टिक करना है। ब्रिंग सम हॉल स्पाइसेस टू क्लास। आपको सारे स्पाइसेस लाने क्लास के अंदर, सारे मसाले लाने हैं। राइट देयर नेम्स इन द टेबल्स, और टेबल्स के अंदर उनके नेम्स लिखने, इस तरीके से स्पाइसेस के नेम्स लिखने हैं, जो जो स्पाइसेस आप क्लास में लाए हो। एंड क्लोज योर आइज, आपकी आँख को बंद कर देना है। एंड ट्राई टू रिकोगनाइज ईच स्पाइसेस बाय स्मेलिंग एंड टचिंग ईच वन इन द टर्न। और आपको आपकी आइज को क्लोज करके आपको ट्राई करना है, आइडेंटिफाई करना है। रिकोगनाइज मीन्स आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है स्पाइसेस को स्मेलिंग और उसको टच करके फील करना है, ठीक है। उसको छू कर फील करोगे, उसकी स्मेल को आप पहचानोगे और उसके उस स्पाइसेस का नाम आप लिखोगे, ठीक है। तो आपको अगर उसमें से स्मेल आती है तो राइट टिक करना है, अगर नहीं आती है तो उसमें रॉन्ग टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नेम्स लिखे हैं, रेड चिल्ली, जिंजर, गार्लिक, टर्मेरिक एंड क्लव्स, ठीक है। तो इसको आपके आइज को क्लोज कर देना है और फिर उसे आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, रिकोगनाइज करना है उसे की स्मेल से और उसे छू कर, ठीक है। तो रेड चिली की स्मेल आती है तो इसमें राइट टिक कर उसे टच करते हैं हम, तो भी पता चलता है। जिंजर की भी स्मेल आती है, ठीक है, उसको टच करके भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गार्लिक के को भी स्मेल करके हम रिकोगनाइज कर सकते हैं, उसे छू कर भी हम रिकोगनाइज कर सकते हैं। टर्मेरिक, तो टर्मेरिक को भी स्मेल आती है, उसको छू कर भी हम टच करके भी हम फील कर सकते हैं। क्लव्स में भी स्मेल आती है, ठीक है, उसको हम टच कर सकते हैं। लेट अस ट्राई टू मेक स्पाइसी चना चाट। अब आपको एक स्पाइसी चना चाट मेक करना है, मीन्स बनाना है। फॉर दिस यू नीड बॉयल्ड चना इनफ फॉर एवरी डे इन द क्लास। आपको बॉयल्ड चना लाना है, यानी उबला हुआ चना लाना है आपकी क्लास के अंदर। सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, मैंगो पाउडर और लेमन अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, मैंगो पाउडर और लेमन, या तो अमचूर का पाउडर आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें डालना है, ठीक है। चलो हम चना चाट बना रहे हैं स्टूडेंट्स, आप भी चना चाट बनाने के लिए रेडी हो जाओ। आप अपने घरों में चना चाट कैसे बनाएंगे, अगर जिसे नहीं आता है वो इस रेसिपीज को देखकर अपने घरों में ट्राई करें और फिर ईट करके इंजॉय करें। तो हमें बॉयल चना लेना है और उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, मैंगो पाउडर एंड लेमन। फिर आपके अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी जैसा आपको टेस्ट चाहिए उस अकॉर्डिंग के अनुसार ये सारे इंग्रेडिएंट्स स्पाइसेस उसके अंदर ऐड करने हैं। रोस्टेड कॉमिंग सीड्स, आपको कॉमिंग सीड्स को सेक लेना है थोड़ा सा, ठीक है, कॉमिंग सीड्स को आपको सेक लेना है। एंड ब्लैक सॉल्ट एंड गरम मसाला उसमें ऐड करना है, इफ़ इट्स पॉसिबल, अगर आप पॉसिबल यानी आपको अगर ऐड करना चाहते हो तो। फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, कुछ धनिया की पत्तियाँ लेनी है ताजी।
एड सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, आमचूर पाउडर और लेमन जूस अकॉर्डिंग टू टेस्ट इन द बॉयल चना। अब जो ये बॉयल चना है, भिगोया हुआ उबला चना है स्टूडेंट्स, उसके अंदर सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, आमचूर पाउडर, लेमन जूस आपको उसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें ऐड करना है। टू मेक योर चाट मोर डेलीशियस, इससे क्या होगा आपकी जो चाट्स हैं वो एकदम डेलीशियस बनेगी। डेलीशियस मीन्स टेस्टी बनेगी, स्वादिष्ट बनेगी। एड अ लिटल रोस्टेड कॉमन सीड्स, उसमें ऐड करना है कुछ सिका हुआ जीरा ऐड करना है, ब्लैक सॉल्ट मीन्स काला वाला नमक आपको उसमें डालना है, एंड कोरिएंडर पाउडर डालना है और धनिया पाउडर उसमें ऐड करना है, एंड पिंच ऑफ गरम मसाला और थोड़ा सा, पिंच मीन्स लिटल, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करना है। कैन आल्सो बी एडेड टू द एंड, और लास्ट में आपको ये गरम मसाला ऐड करना है, ठीक है। एंड मिक्स द चना वेल, अब आपको पूरी तरीके से इस चना को मिक्स कर देना है। स्प्रिंकल चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स ऑन टॉप, उसके आफ्टर सबसे लास्ट में आपको स्प्रिंकल मीन्स छाटना है, चॉप्ड मीन्स कटा हुआ हरा धनिया, धनिये की पत्तियाँ, ठीक है, कोरिएंडर में धनिये की पत्तियाँ उसके ऊपर डालिए। नाउ हुर्रे, योर स्पाइसी चाट इज रेडी टू ईट, आपकी जो स्पाइसी चाट है वो बनके तैयार है खाने के लिए। नाउ डिड यू एंजॉय द चना चाट्स, आप किस तरीके से चना चाट को एंजॉय कर रहे हो वो आपको बताना है। जस्ट इमेज इफ देयर वेयर नो स्पाइस टू मेक द चना चाट, हाउ वुड इट टेस्ट, आपको इमेज करना है। अगर आप कोई स्पाइसेस चना चाट्स, अगर आप स्पाइसेस नहीं है चना चाट बनाने के लिए, आपका वो टेस्ट कैसा लगता है उसे भी आपको बताना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये चना चाट्स आप अपने घर पर प्रिपेयर करोगे एंड उसे एंजॉय करोगे ईट करके। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। कुछ रिमेम्बर पॉइंट्स इसके मैं आपको सेंड करूँगी, जिसे आपको कॉपीराइट्स करना है आपके CW नोट्स में। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे एट योर होम एंड बी हेल्दी, बाय बाय।